मऊ जनपद के डॉक्टर सरफराज अहमद पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित ने कहा कि सरफराज अहमद ने इलाज करने के बजाय उसके हालत गंभीर कर दिया, उसने गले की नस तक काट दी। ऐसे में डॉक्टर सरफराज अहमद पर कार्रवाई की मांग को लेकर के पीड़ित जिलाधिकारी के यहाँ पहुँचे हैं। सर, घटना यही घटा है कि हमने उनको ऑपरेशन करवाने के लिए लाला है, तो सब जांच करवाए। जांच करवाने के बाद भी वो ऑपरेशन करें, दूरबीन से बोले कि मैं दूरबीन से ऑपरेशन कर दूंगा, तो दूरबीन से ऑपरेशन किए। फिर उसके बाद जो पथरी नहीं मिली तो बोले कि नहीं हाथ से होगा, तो हाथ से हम लोग बोलते हैं, उस पर भी पथरी नहीं मिली। हाँ, 3 दिन जो है हम लोग उसी में ले करके थे। 11 तारीख को हम लोग बहुत कोशिश करे तो वो लोग झनकने पटकने लगे, कहें बाद में। फिर लड़का जो है किसी तरह डिस्चार्ज करवा कर हम लोग ले कर पॉपुलर में गए। 20 लाख रुपया लग गया। अभी भी जो है डॉक्टर दिल्ली के लिए भेज रहा है, अभी कंडीशन सही नहीं है। जिसका ऑपरेशन हुआ वो क्या लगेंगे आपके? हमारे हस्बैंड है। कहाँ के रहने वाले हैं? गुलगढ़ी वार्ड नंबर 2। जो डॉक्टर ऑपरेशन के वो कहाँ के? डॉक्टर यहीं के मऊ के रहने वाले हैं, डॉक्टर सरफराज अहमद। तो आप क्या चाहती हैं? डॉक्टर साहब, हम ये चाहते हैं कि ये फरियाद हम उनके पर करें। ये डॉक्टर सरफराज अहमद जिन्होंने देवेंद्र कुमार को भर्ती किया पथरी के ऑपरेशन के नाम, पहले कहा कि दूरबीन से ऑपरेशन करें। जब दूरबीन से ऑपरेशन करने में असफल हो गए तो उन्होंने पित्ताशय काट करके निकाल दिया, तब भी उनको पथरी नहीं मिली। अंततोगत उन्होंने गले की नली ही काट डाला, और जब गले की नली कट गई तो पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया। जान बचानी मुश्किल हुई, फिर भी डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे। ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करा के बनारस में भर्ती कराया गया, 20 लाख खर्च हुआ, मुश्किल से जान बची। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह के निकम्मे और गैर जिम्मेदार डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जाए, और जितना रुपया बर्बाद हुआ उसकी रिकवरी कराया जाए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाए। क्योंकि उन्होंने पित्ताशय ही गायब कर दिया है। मरीज के पास पित्ताशय ही नहीं, उन्होंने पित्ताशय किया क्या बताएं? पीड़ित कहाँ रहने वाले हैं? पीड़ित रहने वाले हैं अदरी थाना कोपागंज पड़ता है। हॉस्पिटल उनके डॉक्टर पे आरोप लगा है गला के नस काटने का। हाँ, हमें भी संज्ञान में आया है, कोई सरफराज डॉक्टर हैं जिन्होंने कोई ऑपरेशन किया था और वो दूरबीन से पित्ताशय की थैली के को कट जाने का आरोप हमें भी मिला है। इस संदर्भ में इतना ही बताना चाहूँगा कि जैसे ही हमें लिखित शिकायत संज्ञान में आएगी तो मैं 3 डॉक्टरों की टीम गठित करके, जिसमें 2 हमारे एडिशनल CMO होंगे और 1 वहाँ का लोकल SDM होगा, टीम गठित करके जांच करेंगे। जांच करने के पश्चात अगर पाया गया वो दोषी हैं तो हो सकता है उनकी डिग्री कैंसिल करने के लिए हम लोग NMC नेशनल मेडिकल काउंसिल को लिखेंगे, जिससे कि भविष्य में वो इस तरह की गलतियों का पुनरावृत्ति न करने पाए।